हाँ ना बोलो। ठीक है सर, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। ओवी ने कुछ पेपर्स भेजे हैं, उसके बारे में। हाँ पता लगा मुझे। सर मैंने ओवी से इस बारे में बात की, लेकिन वो अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचना नहीं चाहते, इसलिए सर हमें मिलकर बात करनी है। तो सर हम मिल लेते हैं ताकि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। ऑफ कोर्स, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आकर। सर एक्चुअली मैं और अर्चना आपके यहाँ आने के लिए निकल ही रहे, तो वहीं मिलते हैं। ओके, हम लोग मिलकर कुछ ऐसी बात सोचेंगे जिससे इन दोनों बच्चों का फायदा हो। एनीवे तुम मिलो तो हम मिल के बात करते हैं। सर बस हम अभी निकल ही रहे। और हाँ, अर्जुन घर पे है, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही है, राइट? ओके सर। चले माना। अर्चना मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा। क्या हुआ? अर्चना अर्जुन घर पर है। अर्चना मैं उसे देखूंगा तो खुद पर शायद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा और कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। लेकिन अर्चना तुम जाओ और अर्जुन से कहो कि वो भी को समझाए, उससे बात करे और उसे मना कर इस डिवोर्स को रोके। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। अर्जुन से बात करके देखी थी, लेकिन इस वक्त अर्जुन को तू ही मना सकती है। वो तुझे बहुत मानता है, I'm sure वो तेरी बात सुनेगा। तू चिंता मत कर पूर्वी, मैं देखती हूँ क्या करना है। आई ओवी अर्जुन से बहुत प्यार करती है, बस वो ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में कर रही है। उसने बहुत कुछ किया अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन उसका ये फैसला बहुत गलत है। बस सोवी को एक बार एहसास हो जाए ना कि वो जो करिए गलत करिए, वो अर्जुन के पास वापस आ जाएगी। पूर्वी, ओवी की जिंदगी साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। अर्जुन ओवी वही फैसला लेंगे जो उनके लिए सही होगा। मैं आती हूँ। भिंडी कैसे दी? 80 रुपए किलो। बेटी तो बेटी, माँ को भी जरा भी शर्म नहीं है, अपनी नालायक बेटी को लेकर कैसे घूम रही है? आई आई जाने देना। तू चिंता मत कर, मैं शांति से बात करूंगी। ये पकड़। लगता है सुलोचना दा यहीं आ रही है। चलो चलो। हाँ चलो। ज्योति। अरे सुलोचना ताई, आप और यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और मैंने आप दोनों की बातें अच्छी तरह से सुन ली है। शायद आप लोग भूल गए हैं कि आज जो आप मेरी बेटी को कोस रहे हैं ना, ताने मार रहे हैं ना, उसी मेरी बेटी के पास कुछ साल पहले अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजा करती थी। आपको उस पर इतना नाज था, इतना भरोसा था, और आप तो हमेशा मेरी तारीफ करती थी कि आप कितनी लकी हैं कि आपको वर्षा जैसी अच्छी बेटी मिली जो घर चलाने में आपकी इतनी मदद करती है। आप ये सारी बातें अचानक भूल गई और अचानक इसे ताने मारने लग गई, क्यों? शायद इसका अतीत देखकर आप इसे दोष दे रही है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये कितना सुधरने की कोशिश कर रही है। बच्चे जब एग्जाम में गलती करते हैं, कम मार्क्स लाते हैं, तो क्या हम उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं? बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं, क्या ये सही है? एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। अगर उसने गलती की तो उसका कान पकड़ने का हक मुझे है, तो अगर वो अपनी गलती सुधारना चाहती है तो उसे एक और मौका देने का फर्ज भी मेरा बनता है, समझे आप? वर्षा,
तू हमेशा तुझ पर उंगली उठाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देती थी, अपने आप को हमेशा सही साबित करती थी। तो फिर आज क्या हुआ? देख बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, ये तेरी जिंदगी है और इसके बारे में कोई भी फैसला करने का अधिकार सिर्फ तेरा है। आई, पता नहीं आज अगर तू नहीं होती तो क्या होता। चल। अरे जो तू कब आई? अभी अभी आई हूँ। अच्छा ये बता, आई जाने वाली थी ना अर्जुन क्या बात करने के लिए, तो गई क्या? आई चली भी गई, और तू देखना वो सब कुछ ठीक भी कर देगी। ठीक तो कर देगी, लेकिन तुझे पता है ना पूर्वी, इस पागल लड़की ने जो डिसीजन लिया है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी अर्जुन को डिवोर्स देने का। कहाँ वो अर्जुन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। हाँ तेजू, मैं जानती हूँ, लेकिन हालातों के रहते इंसान स्ट्रांग हो ही जाता है। वो उससे ऐसे ऐसे फैसले करवा देते हैं जो इंसान कभी ले ही नहीं सकता। और ओवी, उसने तो कितना बर्दाश्त किया, इतनी कोशिश की अपनी शादी बचाने की, मगर वक्त के रहते उसे भी हार माननी पड़ी और उसने अर्जुन को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। लेकिन तेजू, मैं जानती हूँ आई सब कुछ ठीक कर देगी। हाँ। सही कहा तूने बोल दी, आई सब कुछ ठीक कर सकती है। तुम्हें एक ऐसी ताकत है कि वो हर बिगड़े हालात, हर बिगड़े रिश्तों को तुरंत सुलझा सके। उन्हें हमारे जैसे इंसान को सुधार दिया, वो भी का मन तो पक्का बदल देगी हम जान। हाँ दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्या कह रही हूँ, मूवी का जब काम खत्म हो जाएगा ना कनाडा में और वो इंडिया वापस आ जाएगी, उसे अर्जुन के साथ एक आउटिंग पे भेज देते, दोनों साथ में बैठेंगे अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं डैड, कि मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दूं? नो अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसी कोई राय नहीं दूंगा। कोई भी रिश्ता एक्सेप्टेंस से मजबूत बनता है, एडजस्टमेंट से नहीं। शायद वो भी नहीं, ये बात तुमसे पहले समझ ली है और इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर कनाडा चली गई। अर्जुन अभी भी वक्त है, तुम मूवी को मनाओगे ना वो मान जाएगी। मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मैंने देखा है उसकी आंखों में, बहुत पॉसेसिव है वो तुम्हारे लिए। आई, आप यहाँ? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप अंदर आइए ना। मुझे तुमसे कुछ पूछना है अर्जुन। ओवी ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेजा ना, क्यों मुझसे मानव से इतनी बड़ी बात छुपाई? बोलो भाई। वो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि मुझे किसी से कुछ कहने का, किसी को कुछ बताने का कोई समय नहीं मिला। और मैंने सोचा था कि मैं ओवी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि क्या समझाओगे उसे? समझाऊंगा उसे कि वो जो डिसीजन ले रही है वो सही नहीं है। उसे मनाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मेरे और पूर्वी के बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारा कल था। और आज का सच ये है कि वॉर में पति पत्नी और ये सच उसे मान लेना चाहिए और ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और मैं जब मनाऊंगा उसे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से जिस तरह से खुशी खुशी रह रहे थे सब कुछ वैसा ही होगा। अगर ओवी तुम्हारे साथ खुश होती तो वो तुम्हें डिवोर्स पेपर्स क्यों भेजती अर्जुन? क्योंकि उसे लगता है कि उसके और मेरे रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं। तो उसे क्या गलत लगता है? तुम दोनों के रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं अर्जुन। तुम दोनों सिर्फ आज की तारीख में समझौते के साथ जी रहे हो। ओवी ने तुमसे शादी की, माना उसकी जिद थी, लेकिन उसके बाद मेरी बच्ची ने शादी को बचाने की बहुत कोशिश की, तुमने भी की, लेकिन अर्जुन ओवी बहुत अलग लड़की थी, वो बहुत जिद्दी थी, उससे गलती हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसने हर चीज संभालने की कोशिश की। याद है तुम कोलकाता गए थे और ओवी ने यहाँ अपने आप को मारने की कोशिश की थी? वो तो उस बच्चे को तक नहीं चाहती थी जो उसके पेट में था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगता था कि वो प्यार की निशानी नहीं, वो सिर्फ एक समझौते की निशानी, कुछ
कुछ गलत नहीं सोचा उसने, लेकिन फिर भी उसके बाद उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारे साथ उसके सपने देखे, फिर परी हुई, और जब उसे ये पता चला कि तुम्हारी और पूर्वी की बेटी, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था अर्जुन? वो क्या करती बताओ मुझे क्या करती? आई मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितना हो सके ओवी को खुश रख सकूं, लेकिन फिर भी तुम नाकामयाब हो गए अर्जुन, फिर भी तुम उसे खुशी नहीं दे पाए, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम पूर्वी से प्यार करते थे, तुम ओवी से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, और उसके बाद भी तुम दोनों ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन नहीं हो पाए। अर्जुन पूर्वी बहुत इमोशनल लड़की है, वो अपने परिवार के बारे में सोचती है, उसे लगता है कि वो कितनी भी दुखी रहे लेकिन उसका परिवार खुश रहे, इसी में शायद उसने ओवी की बात मान ली। लेकिन अर्जुन, अगर तुम उस वक्त शायद सही डिसीजन लेते ना, तुम अगर उस बात को नहीं मानते ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, कभी नहीं देखना पड़ता। अर्जुन, डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये होता है कि तुम दोनों के रिश्ते की हार हो। ओवी ने अब तक जितनी लड़ाई की तुम्हारे लिए, उसकी लड़ाई की हार हो गई। ओवी हारी है, मैं नहीं हारा। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा वापस कनाडा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। आपको तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो ना? हाँ, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ये लो पेपर्स। साइन कर दो अर्जुन। साइन कर दो अर्जुन, मेरी बेटी को आजाद कर दो। तुम दोनों को तकलीफ में नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज अर्जुन, इन पेपर्स पर साइन कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी अर्जुन। भाई आप समझते कि आप क्या मांग रही है मुझसे? क्या आप क्या चाहती? मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ अर्जुन, और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी की भलाई सिर्फ इन पेपर्स पर साइन करने के बाद ही है। भाई आपकी समझ, आपकी इच्छा इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जितना मैं जानता हूं, मुझे सिर्फ पता है कि इस प्रॉब्लम का हल डिवोर्स नहीं है, और मैं किसी भी हाल में इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। और अगर ये डिवोर्स पेपर्स भेजने का ख्याल ओवी का था, तो इन पे ना साइन करने का फैसला मेरा है। मैं नहीं करूंगा इन पे साइन। हर्षना जी, आपको याद है आपने मुझसे क्या कहा था? अर्जुन मुझे अर्चना जी ने कहा था कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए ना, अर्जुन को अपने बेटे की तरह बड़ा कर, उसे अपने बेटे की तरह प्यार करना। उन्हें बहुत विश्वास था अपने संस्कारों पर, और उन्हें पता था, मुझसे कहती थी कभी मेरा अर्जुन तुम्हारी बात नहीं टाल सकता, उनकी कही हुई बात मानेगा। लेकिन आज ना जी देखिए ना, ये नहीं मान रहा मेरी बात, ये सुन ही नहीं रहा है। नहीं मान सकता आपकी बात। आई
आप मुझे ओवी के साथ अन्याय करने के लिए कह रहे हैं। तुम ऑलरेडी उसके साथ अन्याय कर चुके हो अर्जुन, एक समझौते का रिश्ता बनाकर और उसे जबरदस्ती निभाकर, और आज अगर तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करते तो उसके साथ एक और अन्याय होगा। क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? तुम चाहते हो ना अर्जुन कि उसे न्याय मिले, तो प्लीज मेरी बात मानो। उसकी खुशी इसी में ही है कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। तुम दोनों को तकलीफ होगी अर्जुन, मैं देख रही हूं इतने वक्त से तुम साथ हो, लेकिन बहुत सारी चीजें अर्जुन, प्लीज प्लीज ओवी को डिवोर्स दे दो और अलग हो जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को आजाद कर दो, बेटी को आजाद कर दो अर्जुन प्लीज। अर्जुन देखो, दुनिया में ऐसी कोई आई नहीं होगी जो कभी ये चाहेगी कि उसकी बेटी का कभी भी डिवोर्स हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी की खुशी इस तलाक में है। तुम दोनों नहीं रह सकते साथ कुछ, मैं नहीं देख सकती तुम दोनों को और तकलीफ में। तुम जानते हो अर्जुन, जो मैं कह रही हूँ वो गलत नहीं है, जानते हो ना? प्लीज आई आई बताना क्या हुआ है? तूने अर्जुन से बात की ना, वो मान गया ना? आई 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 बोलना, वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन तो नहीं? मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बिगड़ते बिगड़ते बचा ली, अगर आज मैं एक कदम नहीं लेती तो भी अर्जुन को इससे ज्यादा तकलीफ होती। मतलब भाई तू ये क्या बोल रही है? मैं कुछ समझी नहीं। मैं अर्जुन से मिली थी पूर्व, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए, तो मेरे डिवोर्स पेपर्स पर अर्जुन के साइन लिए। भाई ये तू क्या बोल रही है? तू तो हाँ अर्जुन को मनाने गई थी ना, उन पेपर्स पे अर्जुन के साइन करवाने गई थी, तो ही चाहती थी ना कि वो ओवी की खुशियों के बारे में सोचूं, उसकी भलाई के बारे में सोचूं। मैंने वही किया पूर्वी, मैंने ओवी की भलाई देखी। पूर्वी की ओवी थक चुकी थी इस रिश्ते के पीछे, भाग 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 कर थक चुकी थी। मैंने बस उसे आजाद किया है, उसे तकलीफ से मुक्त कर दिया। कुछ नहीं देखा ही, आई तो मुझे गलत समझ रही है, मेरा मतलब ये नहीं था। देख तू भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ओवी अर्जुन को कितना प्यार करती है, और अगर अर्जुन अर्जुन ने पेपर फाड़ के फेंक दे
ओवी को यकीन हो जाता कि वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता है, लेकिन अब अर्जुन के साइन देख के ओवी और हर्ट हो जाएगी। वो मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे पता है पूर्वी की ओवी भी यही चाहती थी, उसे यही चाहिए।